हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। तो फ्रेंड्स, जैसे मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में आपको आर्म होल की कटिंग बताई थी, वैसे ही यहाँ पे मैं आपको सिंपल नेक कैसे बनाते हैं वो बताऊंगी। तो सिंपल नेक बनाने के लिए सबसे पहले हमें चौड़ाई में जितना नेक चाहिए उस पर हम मार्क कर लेते हैं। जैसे मुझे जो चाहिए नेक वो मैं 3 इंच लूंगी, तो यहाँ 3 इंच पे हम मार्क कर लेते हैं। सिर्फ आपको मार्क ही करना है, कटिंग नहीं करनी। और एक सेंटर में हम यहाँ पे नोच लगा देंगे, एक यहाँ पे लगाएंगे। ये यहाँ पे नोच लगाई है हमने, यहाँ से हम 1/2 इंच नीचे को डाउन करेंगे इसको, जैसे 1/2 इंच हमारा यहाँ पे आ रहा है। यहाँ स्केल की हेल्प से इसे सीधा कर लेंगे। और अब इसे कट कर देते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ इतना ही करेंगे, बाकी ये हमने टैटरम ले ली है, इसे बुकरम भी बोलते हैं। तो ये हमें 8 लेनी है और चौड़ाई में 9। जैसे कि हमें जितनी चौड़ाई लंबाई में हमें नेक चाहिए, जैसे हमारा नेक है 6.5, तो उससे 1.5 इंच हम ज्यादा लेंगे। तो इसे ऐसे फोल्ड कर लेते हैं। फोल्ड करने के बाद जितना हमने वहां अपनी कुर्ती पे मार्क किया है, जैसे 3 इंच चौड़ा है तो 3 इंच पे हम मार्क कर देते हैं इसके भी। और जो हमें लंबाई में जितना नेक चाहिए उसका मेजरमेंट हम ऐसे नहीं, ऐसे लेंगे। तो हम 6.5 ले रहे हैं यहां से यहां तक, तो यहां पे मार्क कर देना आपको। यहां से भी हम 6.5 करेंगे। स्केल की हेल्प से सीधी लाइन लगा देते हैं। अब यहां से हम एक ऐसे कर्व देंगे इसको, अब जैसे ये हमने नेक ड्रॉ कर लिया है, ऐसे ही हम 1/1 इंच की दूरी पे मार्क करेंगे। अब इसे भी ड्रॉ कर लेते हैं। हमने ये कपड़ा ले लिया है, इस पे जहां तो हम इसको चिपका देंगे प्रेस की हेल्प से, या फिर इसको पिनअप कर लेंगे, या फिर इसको सिलाई की हेल्प से आप इसको इस पे चिपका सकते हैं।
जितना हमारा नेक है उससे कपड़ा हमें ज्यादा बड़ा ही लेना है। तो आइए चलते हैं मशीन पे। हमने इसका सेंटर ले लेना है, ऐसे सेंटर ले लिया है इसका। इसके सेंटर में हम नोच लगा देंगे और इसकी सेंटर में नोच लगाने के बाद इसका 3 इंच लेंगे, जैसे हमने कुर्ती पे लिया है तो वहां पे मार्क करेंगे। यहाँ पे भी एक नोच लगा देंगे। तो आप क्या करना है, इस नेक को इस पे ऐसे रखेंगे। अब इसको ऐसे सेट कर लेंगे इसके साथ। अब हमें क्या करना है, जहां तो इसको प्रेस की हेल्प से ऐसे पेस्ट कर देंगे, जहां पिनअप भी कर सकते हैं, या सिलाई की हेल्प सिलाई से ऐसे इसको सेट कर सकते हैं। तो हम सिलाई लगाएंगे। हमने यहाँ जो इसका सेंटर है इसके सेंटर से मिला देना है और यहाँ से इसको पकड़ के सिलाई लगा देनी है। ध्यान रहे आपका नेक खिलना नहीं चाहिए बिल्कुल भी। इसके साथ साथ सिलाई लगाएंगे। अब यहां से इसके सेंटर को मिला लेना है और इसको ऐसे सेट कर लेना। बस ये आपका जो सेट करके आपने हाथ रखा हुआ है वो हिलना नहीं चाहिए, ऐसे ही रखना चाहिए। अब हमने ये सिलाई लगा ली है। इस सिलाई को लगाने के बाद ऐसे इसको फोल्ड करके साइड से सिलाई लगा देनी है। साइड से सिलाई, ये जो सिलाई लगाई है हमने तो यहां तक सिलाई आनी चाहिए। यहां तक आपका कपड़ा आना चाहिए। यहां पे सिलाई लगाएंगे। तो ये सिलाई लगाने के लिए ऐसे तो सिंपल सीधी सिलाई लग जाएगी यहां तक। यहां तक तो सीधा लग गया। अब इसको ऐसे ऐसे फोल्ड करेंगे यहां से ऐसे ऐसे।
ऐसे सिलाई लगा दिया और हम एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा इसको काट देंगे। अब जो इसका ये एक्स्ट्रा कपड़ा है वो काट देते हैं। ये काट दिया, ये ऐसे आ गया। ये कुर्ती ले ली है, इसके ऊपर हम इसको ऐसे रखेंगे। ये कुर्ती का फ्रंट साइड है, यहाँ पे हम इसका फ्रंट साइड को फ्रंट साइड से मैच कर देंगे। ये फ्रंट साइड है, ये फ्रंट साइड है, ये आपस में ये मैच हो जाएंगे। तो ऐसे हम पहले तो रफ स्टिच करेंगे, सीधी सिलाई लगा देंगे बीच में से, ताकि हमारा जो नेक है वो हिले ना। ये यहीं तक लगानी है। अब ये बिल्कुल प्लेस हो चुका है, अब ये नेक हिलेगा नहीं कुर्ती से। अब हम इसकी यहाँ साइड से सिलाई लगा देते हैं। ये जो सिलाई लगानी है हमने बुकरम के ऊपर नहीं लगानी, बुकरम से बिल्कुल पास पास लगानी है बुकरम के। सिलाई लगा लिया हम, अब इसकी 1 इंच छोड़ के कटिंग कर लेंगे। अंदर से 1 इंच छोड़ के कटिंग करनी है।
और ये आधा इंच छोड़ के अंदर से आधा इंच छोड़ के कटिंग करेंगे। इसको ऐसे फोल्ड कर देंगे अंदर की तरफ, फोल्ड करके एक एक सिलाई जहां किनारी पे लगा देंगे। अगर आप ऐसे फोल्ड करोगे, देखो ये यहाँ से अच्छी तरह से नहीं फोल्ड हो रहा, यहाँ पे गुलाई आ रही है, तो इसको अच्छी तरह से फोल्ड करने के लिए यहाँ पे हम छोटे छोटे कट लगा देंगे। कट ध्यान से लगाइए, ये जो सिलाई है सिलाई के ऊपर ही आनी चाहिए कट, तो यहाँ पे छोटे छोटे कट लगा देते हैं। अब इसको ऐसे फोल्ड, ये आसानी से हो जाएगा, ये देखिए अब आसानी से फोल्ड हो रहा है ये, तो ऐसे इसकी किनारी पे सिलाई लगा देते हैं।
तो ये देखिए ये सिलाई यहाँ पे लग चुकी है। अब इसके बाद यहाँ पे हम तरपाई करेंगे पीछे की, और आप चाहे तो ये सिलाई रिमूव भी कर सकते हैं। तो ऐसे बनके हमारा गला बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।